तब भी तुम वहां जाना चाहते हो, तब भी तुमने हमसे सच छुपाया, तब भी तुम उसके बातों में आ रहे हो। उसकी तबीयत खराब है तब भी वो कॉलेज जाना चाहती है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं तब भी या फिर भी, इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज़ करते हैं इवन देन, इवन देन। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्रेज इवन देन, इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। तब भी तुम वहाँ जाना चाहते हो, इवन देन यू वॉन्ट टू गो देयर, इवन देन यू वॉन्ट टू गो देयर। उसने उनसे बदतमीजी की तब भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। He misbehaved with them, even then they didn't say anything to him. He misbehaved with them, even then they didn't say anything to him. तब भी उसने मेरी मदद की, even then he helped me, even then he helped me. तब भी तुमने हमसे सच छुपाया, even then you hid the truth from us, even then You hid the truth from us. तब भी तुम उसकी बातों में आ रहे हो, even then you are getting into her words, even then you are getting into her words. तब भी तुमने मुझसे झूठ बोला, even then you told a lie to me, even then you told a lie to me. कल राहुल का एग्जाम है तब भी वो नहीं पढ़ रहा। Tomorrow is Rahul's exam. Even then he is not studying. Tomorrow is Rahul's exam. Even then he is not studying. उसकी तबीयत खराब है तब भी वो कॉलेज जाना चाहती है। She is unwell. Even then she wants to go to college. She is unwell. Even then she wants to go to college.